हेलो टीम आर एंटे, जैसे कि भाई आप सबको पता है आज के टाइम पे पेट्रोल का रेट कितना ज्यादा हाई हो गया है, और इस टाइम पे खासकर इंडियंस भाई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं प्रैक्टिकल, जो कि उनको एक अच्छी रेंज दे दे, एक अच्छे कंपटीटिव उनको रेट पे मिल जाए और भाई वारंटी वगैरह भी सब अच्छा मिल जाए। तो इसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कंपनी जो आपको एक किफायती एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर देता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बीजी हाउस की। तो वैसे बीजी हाउस के काफी सारे मॉडल्स आते हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीजी हाउस का C12 IMAX मॉडल। शुरुआत करते हैं हम इसके कलर वगैरह से। अभी आप जैसे मेरे सामने देख रहे हो तो भाई ये इसका येलो कलर है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो मल्टीपल्स के टोटल 6 कलर्स आते हैं, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक और ये मेरे राइट में है रेड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई इसके फ्रंट से। सामने इसके भाई व्हाइट LED हेडलैम्प दे रखे हैं। टोटल इसमें जितनी भी लाइट्स वगैरह है सारी LED है, चाहे मैं बात करूँ बैक लाइट की, इंडिकेटर्स की, और बात करें इसकी कीज की तो भाई इस तरह की इसकी कुछ कीज आती है। नॉर्मल इसमें इसकी कीज मिल जाती है जिसमें आप भाई अपना इसका स्टोरेज वगैरह, इग्निशन वगैरह यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके रिम्स की, तो भाई स्टील रिम्स दे रखे हैं और ABS नहीं, नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स इसमें आते हैं। 12 इंच के इसमें टायर दे रखे हैं और जो दोनों टायर हैं इसमें ट्यूबलेस आपको दे रखे हैं। और ये आप जैसे कि इसकी पूरी बॉडी देख रहे हो, फाइबर की इसकी बॉडी दे रखी है। अब बात करते हैं हम इसके टैकोमीटर की या फिर आपको तो ऑडोमीटर की। बात करें हम इसके ऑडोमीटर की तो भाई इसमें आपको ट्रिप्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, कितनी देर में भाई ये एम्प्टी हो जाएगी, इसकी स्पीड वगैरह सारे इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं, इसकी बैटरी कैपेसिटी वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पे आपको इसका इग्निशन मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट कर लें, ये इंडिकेटर की स्विच यहाँ पे दे रखे हैं जैसे आप दीवार पर देख सकते हो, और भाई इसके LED हेडलैम्प दे रखे हैं। और इसमें एक ऑप्शन हो रहा है, इसमें आप चाइल्ड सेफ्टी इसमें स्विच है, मतलब अगर बच्चा अगर आपके साथ कोई है तो मतलब उसको आपको दबाना पड़ेगा बटन को तब ये स्टार्ट होगी। और बात करते हैं इसके भाई मिरर्स की तो नॉर्मल इसमें भाई मिरर्स के मिल जाते हैं। और बात करें यहाँ पे इसके फ्रंट में तो थोड़ा आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप अपने मोबाइल वगैरह इसमें आराम से चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको उसका एक हुक मिल जाता है जिसमें आप भाई अपना सामान वगैरह, डेली के राशन वगैरह, सब्जी वगैरह टांग सकते हो। बात करते हैं हम इसके डिग्गी की या हेलो बूट स्पेस की तो भाई काफी अच्छा खासा इसमें इसका बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आराम से आपका हेलमेट और बाकी सामान आप आराम से कैरी कर सकते हो। मैंने इतना बड़ा बूट स्पेस तो भाई किसी का नहीं देखा, आप देख सकते हो कितना ज्यादा डीप है ये। और जब जो आपकी मेन जो चीज जो हर एक बंदा भाई पूछना चाहता है भाई बैटरी कैसी है, इसकी बैटरी कैपेसिटी क्या है, तो 57 AH की बैटरी दे रखी है। और भाई हर बंदा आज के टाइम में पूछता है कि भाई हम स्कूटी ले लें, इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लें, पर अगर भाई बैटरी वगैरह खराब हो गई तो बाद में उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। कोई भी आपको यूट्यूबर ये नहीं बताता कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर खराब होगी तो इसका बैटरी का रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो कंपनी इसका 36,000 तक किलोमीटर तक का चार आपको सर्विसेज देती है, जैसे फर्स्ट और फोर्थ सर्विस फ्री है, बाकी जो दो सर्विस है वो भी सिर्फ लेबर कॉस्ट उसमें रहती है, उसमें स्कूटी आपकी स्कैन होती है। और बात करें जैसे मैं कह रहा हूँ भाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, क्योंकि बॉडी तो रहती है मेन भाई इसका बैटरी का, तो लगभग सिर्फ 40,000 की अभी करंट सिनेरियो में 40,000 की आपको बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पड़ती है। और जैसे कि आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है तो टाइम के साथ वो और ज्यादा सस्ती होती चली जाएगी। और भाई बात करते हैं कि ना सब कहते हैं भाई ओला से कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी को, तो एक ओला का ना एक बहुत डीमेरिट है। यहाँ पे हम इसका फुटरेस्ट रखते हैं, यहाँ पे तो आपने देखा होगा ओला में ना एक हम्प है, तो हम इंडियंस को आदत है भाई सिलेंडर वलेंडर रखने की, तो जब हम बैठते हैं इस पे, जब हम बैठते हैं तो भाई कोई सामान नहीं रख सकते बीच में, सामान यहाँ से वहां लुढ़कने लग जाता है। पर बीजी हाउस ने एक बड़ा अच्छा काम कर रखा है, आपको बिल्कुल फ्लैट इसमें फुटरेस्ट मिल जाता है। और एक और इसमें हिडन फीचर दे रखा है, इसको अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे भी एक स्टोरेज स्पेस आपको दे रखा है भाई, इसमें आप अपना चार्जर कैरी कर सकते हो, अपना कीमती सामान पैसा वगैरह भाई कुछ छुपा सकते हो, और कुछ मेरे दोस्त वगैरह को अपनी बोतलें भी छुपा सकते हैं। चलो वो एक अलग चीज है। और बात करें भाई इसके कलर्स की, मैंने आपको बताया कि येलो, ग्रीन, रेड, ब्लैक और एक जो कलर जो मुझे तो अच्छा लग रहा है पर्सनली पर्पल, ताजा वंडर कार वाला कलर। भाई ये जो कलर है स्पेशली मुझे इन सब में सबसे अच्छा लगा। और आपने देखा होगा भाई टाटा नेक्सॉन भी यही कलर यूज कर रही है अपने, मतलब बड़ा फेमस हो रहा है ये कलर, तो भाई पर्सनली तो मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी जो इसकी बैटरी है वो IP67 सेफ्टी के साथ आता है, और आपको फिजिकली इसकी बैटरी देखनी है चार्जिंग होते हुए तो भाई बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है, मतलब आप अपने नॉर्मल स्विच में भी इसको भाई लगा के घर पे या फिर अपने ऑफिस वगैरह में इसको चार्ज कर सकते हो। बाकी जो कंपनी के और जैसे कि पार्ट्स हैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं, मतलब ये कंपनी शो करना चाहती है कि अगर आपकी बाइक या स्कूटी
अभी फिलहाल यहाँ से स्कूटी खड़ी है, इसमें कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो उसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और इस सब बात करेंगे सर्विस सेंटर की, तो सर्विस सेंटर भी आपको इजीली एक्सेसिबल है। और बात करें अब इसको मेन भाई जिस दिल की, जब हम भाई बात करते हैं पेट्रोल डीजल कार की या फिर बाइक्स की, तो उसके इंजन की, यहाँ हम बात करते हैं भाई इसके मोटर की, 2500 वॉट की इसकी मोटर मिल जाती है। और भाई पर्सनली मेरे पास विजिओस की स्कूटी है, तो अभी तक तो उसमें कोई इशू नहीं आया, तो मैं तो खुद ही रिकमेंड करना चाहूँगा। वैसे जो मेरा यूसेज है वो डेली यूसेज है। और बात करें भाई इसकी वारंटी की, क्योंकि फीचर्स वगैरह ये बहुत कुछ देती है, और आज के टाइम में इलेक्ट्रिक स्कूटर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब तो जैसे आपने देखा मेरी प्रीवियस वीडियो में, एसर तक भाई आ चुका है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मार्केट में। तो भाई इसकी वारंटी की बात करें तो कंपनी 36,000 3 साल तक की वारंटी आपको दे रही है, जो कि भाई एक्सटेंड भी करवा सकते हो, जो कि 50,000 प्लस 2 ईयर और उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। अब जो भाई मेन जो आपके दिल में सवाल आ रहा होगा, ये पड़ेगी कितने की, तो भाई ऑन रोड ये लगभग आपको 1,26,000 की पड़ेगी, एक्स शोरूम इसका 1,26,000 है। पर भाई अगर आप दिल्ली ऐसी सिटी में रहते हो तो आपको आराम से इसकी सब्सिडी मिल जाएगी, जो कि लगभग 16,000 से 20,000 के बीच में वैरी करती है। तो अगर आपको भाई ये स्कूटी में इंटरेस्ट है, और अब बाकी अगर आपको कोई और पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस डीलरशिप का हम भाई नीचे इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड्रेस वगैरह सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। बाकी पर्सनली कुछ भी हमसे पूछना हो तो हमें आप DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक नीचे है। इस वीडियो को करो लाइक भाई, चैनल को करिए सब्सक्राइब, आपके लिए बहुत मेहनत हम कर रहे हैं। थैंक यू।